एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने गुरुवार को तहसील सदर के सभागार में महानगर में लगाए गए कोरोना जांच शिविर की समीक्षा बैठक की। एसडीएम सदर ने लेखपालों और अमीनों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जांच कराने आने वाले मोहल्लेवासियों को जांच करने के बाद उनके अगल बगल के रहने वाले व्यक्तियों की भी कोरोना जांच करानी है, जिससे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। एसडीएम सदर ने कहा कि ज़रूरत है कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें। बैठक में नायब तहसीलदार नीलम तिवारी, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता और लेखपाल कानूनगो व अमीन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, सर बारिश का बरसात का फोरकास्ट भी हुआ है, मौसम विभाग के फोरकास्ट पे पिछले दो दिनों से लगातार बारिश जारी है और अगले दो दिनों तक लगातार बारिश हो भी रही है, तो चैलेंजिंग है थोड़ा सा। हमारी राजस्व की टीम पूरी तरह मुस्तैद है और हमने शहर के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, वहाँ पर ड्यूटी लगा भी दी है ताकि बारिश में जो भी जल भराव और उसकी अन्य समस्या है उसको तत्काल पहुंचकर नगर निगम को अवगत कराकर उसका समाधान करा पाएँ। नगर निगम के अधिकारियों को कमिश्नर सर के माध्यम से निर्देश दिया जा चुका है। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके का जल भराव शहर में नहीं होना चाहिए। कमिश्नर सर ने इस तरीके के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को भी दे दिए हैं।